जी स्टूडेंट्स कंफर्म कीजिएगा, आवाज़ आ रही है सबको? यस मैम, आ रही है। ओके अच्छा, इसमें ना कल हमने ये डैशबोर्ड जो Helium 10 के है उसके हमने ब्लैक बॉक्स का फंक्शन भी देख लिया हुआ है कि प्रोडक्ट के आइडियाज़ हमें यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद फर्स्टली हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं, और ये सेरिब्रो का जो फंक्शन है ना, इसके अलावा सेरिब्रो और सक्रिबल, ये दो जो हैं ये सब टूल्स हैं, और ये हम कंटेंट राइटिंग जो कि थर्ड टास्क होगा उसमें हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन दोनों का ओवरव्यू आपको बता देती हूँ, फिर हम मूव ऑन करेंगे कि पेटेंट या दूसरी तीसरी चीज़ें जो रिगार्डिंग प्रोडक्ट हंटिंग है। अच्छा, ब्लैक बॉक्स में हमने क्या करना होता है? सबसे पहले आपने मार्केट प्लेस चूज़ करनी है, ठीक है। मार्केट प्लेस आप सब टू यू, आप UK में कर रहे हैं या USA में कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे एक सेकेंड, इनका ना डैशबोर्ड की वो अरेंजमेंट जो है वो चेंज होती रहती है। अच्छा, कैटेगरी यहाँ से हम चूज़ करेंगे, बट बाकी जो एडिशनल होते हैं ना, कि लाइक आपने फ़िल्टर लगाने हैं, वो फ़िल्टर यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहे। मे बी इन्होंने अपडेट किया वर्जन को तो वो चेंज हो गया ये ना डैशबोर्ड। यहाँ पे हमने ये कैटेगरी फिल्टर्स लगाने होते हैं, लाइक सर्च वॉल्यूम इतना होना चाहिए, या फिर हमने FB और FBM। चलें जी, हम देख लेते हैं बाकी। जस्ट यहाँ से हमने क्या करना है, फिर प्रोडक्ट के आइडियाज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल आपने होम एंड किचन या फिर किचन एंड डाइनिंग कर लेते हैं, इसके अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑफिस प्रोडक्ट और पेट सप्लाईज। मैंने तो अभी जस्ट इतनी सी ये कैटेगरी सेलेक्ट की है ना, आप एक एक करके भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी, अभी हमें चूंकि एडवांस फिल्टर शो नहीं हो रहे, अगर तो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे ना, तो उनका फिर मैं मेथड आपको बता दूंगा। आप मुझे ना स्क्रीनशॉट भेजिएगा, तो उस पर फिर मैं आपको बता दूंगी आपने किस तरह से उसके ऊपर फिल्टर लगाने हैं। सर्च पे क्लिक करने के बाद ना, इसका जस्ट यही है जो हमें प्रोडक्ट के आइडियाज़ मिलते हैं ना, वो इस तरह से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोडक्ट के आइडियाज़। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो बता रहे हैं कैटेगरीज ये हैं और प्राइजेज ये प्राइस हमें आ रही हैं। इसीलिए हमने फिल्टर लगाना होता है ना, कि हमें एटलीस्ट जो है वो प्राइस हाई प्राइस वाली प्रोडक्ट पर नज़र नहीं आती। डेफिनेटली हमने प्रोडक्ट की प्राइस 11.99 से 39.99 USA के लिए देखी थी ना, तो फिर उससे अबव वाली प्रोडक्ट हमें नज़र ही नहीं आती जब हम फिल्टर लगा लेते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से देखते हैं कोई गेटेड वन प्रोडक्ट ना हो, ब्रेकेबल ना हो, क्लॉथ्स की कैटेगरी से रिगार्डिंग ना हो, या फिर कोई ऐसी प्रोडक्ट ना हो जो कि फायर कैचिंग प्रोडक्ट हो। ये देखिए 1 to 8 पेज हमें शो का है, तो लेट्स सी, आपने फिर किसी एक पे क्लिक करना है और नेक्स्ट टैब में फिर आप उसको सर्च करेंगे। हाँ, यहाँ पे ये एडिट फिल्टर, जब हमने कैटेगरी सेलेक्ट की ना, तो ये राइट साइड पे हमें नज़र आ रहा है एडिट फिल्टर। आपने एडिट फिल्टर पे आना है, यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हैं, जो कि फिल्टर हमें टॉप पे नज़र आ रहे होते हैं, वो यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद वो फिल्टर शो कर रहा है। तो कोई इशू नहीं, हम यहाँ पे लगा लेते हैं। रिव्यू काउंट जो है वो रिव्यू काउंट वैसे तो इसमें नहीं हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये रिव्यू काउंट हम ना जो होलसेल की प्रोडक्ट्स होती हैं ना, उनके लिए ये फिल्टर लगा लेते हैं। तो बाकी रिव्यू रेटिंग हमें वो प्रोडक्ट दिखाएं जो कि 4 वाली रेटिंग से बिलो ना हो, लाइक हम कहते हैं ना 4.2 होनी चाहिए, 4.2 से बिलो ना हो, या 4.2 भी कर सकते हैं या 4 भी कर सकते हैं, 4 तक फिर भी एक्सेप्टेबल है, इससे बिलो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम उस प्रोडक्ट के साथ चलेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फुलफिलमेंट में, हमें जो है वो अमेज़ोन और ये FB और FBM आप कर सकते हैं, अमेज़ोन को डिडक्ट करके। इसके बाद वेट, वेट में आप 5 LB से, 5 LB से ज़्यादा वाली प्रोडक्ट नहीं लेंगे, सो मैक्सिमम 5 LB कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पे प्राइस का फिल्टर शो हो रहा है, प्राइस आप लगाएंगे कि मिनिमम प्राइस जो है वो आप
मैक्सिमम में कर लें कि $50 से नीचे वाली प्रोडक्ट्स आपको जितनी भी नज़र आए वो इस रेंज में प्रोडक्ट आपको नज़र आए। सो ये मंथली रेवेन्यू आप कर लें 10,000, उसके बाद तकरीबन ठीक है। इतने आपने फ़िल्टर लगा लेने, अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे ना तो ये प्रोडक्ट्स वही आएंगे जो फ़िल्टर आपने लगाया है। उसके अकॉर्डिंग फिर आपने प्रोडक्ट्स को फर्दर एनालाइज कर लेना, ये इन एक्चुअल प्रोडक्ट के आइडियाज़ हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। ये साथ ना अदर कॉलम्स भी शो कर रहा है, रिव्यू काउंट इनके कितने चल रहे हैं या फिर नंबर ऑफ इमेजेस वगैरह। सो लेट्स सी कि यहाँ से अगर हमने किसी प्रोडक्ट पे फर्दर एनालिसिस करनी है ना, आपको लग रहा है कि मुझे इस प्रोडक्ट पे देखना चाहिए, वैसे तो नेक्स्ट टैब में देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमें ऐसी प्रोडक्ट नज़र नहीं आ रही। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे लगा कि मुझे इस प्रोडक्ट पे मूव ऑन करना चाहिए, मैंने इसके एसेंस को कॉपी करना है, ठीक है। और यहाँ से एसेंस को कॉपी करके ना तो amazon.com में जब हम जाएंगे, amazon.com पे के पेज पे जाने के बाद ना उस एसन को हम पेस्ट कर देंगे, या फिर एसन से भी हमने मेन कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करना है वो हम सेरिब्रो के थ्रू ही फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, सेरिब्रो में जाएंगे आप, ये डैशबोर्ड के सेरिब्रो में, ठीक है, मेन कीवर्ड फाइंड करने का मेथड बता रही हूँ। आपने सेरिब्रो में जाने के बाद वो जो एसन आपने लिया है ना उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना, और मार्केट देख लेनी है कि वही है ना, और कोई चेंज तो नहीं है। गेट कीवर्ड पे क्लिक कर देना है तो आपके पास जो है ना ये कीवर्ड्स आएंगे, फिर आपने उनको सॉर्ट आउट करके हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड आपका मेन कीवर्ड होता है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि 4,000 समथिंग कीवर्ड्स आए हैं, आपने इसको सॉर्ट आउट कर लेना है वन क्लिक से, ताकि हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाला जो कीवर्ड है ना वो आपका टॉप पे आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हम उसको चेंज कर चुके हैं वो प्रोडक्ट्स जो है ना, मैंने उसी टैब पे इस सेरिब्रो को रन कर लिया। आपने क्या करना है कि नेक्स्ट टैब में सेरिब्रो को ओपन करना है, फिर उस प्रोडक्ट को आपने देखना है कि वो प्रोडक्ट कौन सी थी। तो लेट्स सी कि हम यहाँ पे किसी एक को ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इन एक्चुअल ये सेरिब्रो भी हमें प्रोडक्ट के आइडियाज़ दे रहा होता है, ठीक है, ये तमाम प्रोडक्ट के इन एक्चुअल आइडियाज़ हैं। अब हम जब मैगनेट के थ्रू मैं आपको बताऊंगी ना, वो भी हमें प्रोडक्ट के आइडियाज़ ही मिलते हैं वहाँ से। तो प्रोडक्ट के आइडियाज़ तो हमें मल्टीपल की तादाद में, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा अभी तक मेथड्स में बता चुकी हूँ, मसला प्रोडक्ट के आइडियाज़ का नहीं है, वो तो आपके माइंड पर खुद से भी आ सकता है। आगे फर्दर उस प्रोडक्ट को किस तरह से हमने एनालाइज करना है सबसे पहले। सो योगा या पिलो इनमें से हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी कीवर्ड को एनालाइज करना है आपने उसके इसके एरो पे क्लिक करना है और उसको अपने आप ओपन कर लेना। सो इस तरह से आपके पास जो है ना ये, अब फॉर एग्जांपल इस पे फर्दर एनालिसिस करनी होगी ना तो फिर आपने जेएस या हीलियम 10 को रन करके फर्दर स्टार्ट करना, सबसे पहले ये देख लेना। अब ये देखिए 2 लैक्स इसका इस प्रोडक्ट को सेल आउट करने वाली सैलरी 2 लाख की। अच्छा, किसी का ना माइक होना, माइक ऑफ करें, माइक ऑफ कर लें। सो अभी जस्ट हमने सेरिब्रो का फंक्शन देखा है, अभी हम ना मैगनेट का देखते हैं। मैगनेट में हमने क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल मैगनेट पे क्लिक किया और मैग्नेट पे क्लिक करने के बाद जो अपना मेन कीवर्ड होता है ना उसको आपने यहाँ पे ऐड कर देना। फॉर एग्जांपल जी हमारा मेन कीवर्ड था, जैसे कि कल हमने की होल्डर पे एनालिसिस की थी। सो की होल्डर राइट किया और साथ आपने ना ये देखिएगा कि आपने मार्केट प्लेस जो है ना वही चूज़ कर लिया है, ठीक है। मार्केट प्लेस amazon.com में हम काम कर रहे हैं तो amazon.com ही होनी चाहिए। देन गेट कीवर्ड पे क्लिक किया और मैग्नेट का इन एक्चुअल फंक्शन ये है कि हमें सर्च वॉल्यूम बता देता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, एक तो मेन कीवर्ड हमें यही हमारा मेन कीवर्ड है ना, साथ वो बता रहा है कि ये है आपका सर्च वॉल्यूम,
हमने यूएसए के लिए कहा था सर्च वॉल्यूम 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए, और यूके के लिए 7,000 या 6,000 से ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पे 87 समथिंग आ रहा है, 87,000 समथिंग आ रहा है। अच्छा, ये मैग्नेट के जो ग्राफ है ना, ये भी बहुत मैटर करते हैं जब आपने लेने हैं ना प्रोडक्ट के स्टैट्स वगैरह की स्क्रीनशॉट लेने हैं, तो इनको भी आपने लेना है। 1 ईयर का और ऑल टाइम का मैटर करता है, ठीक है? ये आपसे रिक्वायरमेंट होती है 1 ईयर और ऑल टाइम का ग्राफ शो करें। अभी अगेन हम गूगल ट्रेंड को भी देख लेते हैं, मे बी गूगल ट्रेंड इस टाइम पे एक्टिव हो, कल एक्टिव नहीं था, अगर तो हुआ ठीक है, नहीं तो लास्ट भी हम चेक कर लेंगे, ठीक है? गूगल ट्रेंड्स पे हम जाते हैं और वहाँ से भी एनालिसिस कर लेते हैं। क्वेश्चन वगैरह जो है ना लास्ट पे इंशाल्लाह लेते हैं, जस्ट आपने पहले लेक्चर स्मूथली चलने दें, लास्ट में इंशाल्लाह क्यूरीज लेते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल जी, हम यूएस में कर रहे हैं फिलहाल, यूएस में तो हमारा कीवर्ड था की होल्डर। की होल्डर अगर हमारा कीवर्ड है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएस मार्केट है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही थी कि जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो कस्टम पे लास्ट पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि फ्रॉम जो है ना वो 2018 अगर करेंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास 18 के अकॉर्डिंग आपके पास ना ये 3 ईयर्स का ग्राफ आ जाएगा, ठीक है? 2022 चल रहा है, इसमें 3 ईयर का ग्राफ आपके पास आ जाएगा। अब ग्राफ की एनालिसिस इस तरह से मैंने आपको बताई थी कि ये बेस लाइन को टच नहीं करना चाहिए, ऊपर हो जितना मर्जी जाए, लेकिन नीचे जो है बेस लाइन को, इस लाइन को टच ना करें, ठीक है? 25 वाली लाइन में मेजोरिटी जो ग्राफ होते हैं ना, वो 25 वाली लाइन में आते हैं। अब स्टूडेंट ना ये सोच रहे होते हैं कि ग्राफ तो नीचे भी आ रहा है, जाहिर सी बात है ग्राफ है वो तो अप एंड डाउन होगा, ठीक है? ये अप एंड डाउन जा रहा है, लाइन के अप एंड डाउन जो आ सकता है, लेकिन बेस लाइन इस लाइन को टच ना करे, जीरो वाली लाइन को, ठीक है? तो ये है ग्राफ की एनालिसिस, ठीक है? समटाइम ग्राफ ऐसे होते हैं जो एक ही सीक्वेंस से टॉप पे जा रहे हैं, फिर डाउन, फिर टॉप, फिर अप एंड डाउन, इस तरह से कंसिस्टेंसी से हो रहे होते हैं, तो आपको शो हो जाना चाहिए कि वो ग्राफ सीजनल प्रोडक्ट है, वो फिर आपने नहीं करनी, ठीक है? अब ये हो गया ग्राफ की एनालिसिस। अब फॉर एग्जाम्पल जी, हमने ना देखना है कि अमेजोन एफबीए कैलकुलेटर जो है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा कि अमेजोन एफबीए कैलकुलेटर जो है ना, हमने इसका प्रॉफिट मार्जिन प्रोडक्ट का कैसे फाइंड आउट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने राइट किया अमेजोन एफबीए कैलकुलेटर का यूएसए, ठीक है? और नीचे आपके पास ये एड्स वाली जो होती है ना, ये नहीं आपने इनको एक्सप्लोर करना। फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक किया, ये प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन के लिए ना फ्री टूल है जो कि गूगल के थ्रू हम यूज़ करते हैं। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक किया, साइन इन टू सेलर सेंट्रल नहीं करना, कंटिन्यू एज गेस्ट करेंगे। यहाँ पे अब एसन को बुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जी, इसमें से किसी एक प्रोडक्ट का एसन ले लेते हैं फिलहाल, कि मुझे अपने कंपेटिटर का जो है एसन को ये कॉपी किया और वहाँ पे जाके प्रॉफिट मार्जिन चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है जो मैंने सेल आउट करनी है, तो इसमें ट्राई करते हैं कि ये ओपन हो जाए, स्टक हुआ पूरा पेज। अच्छा, हम अगेन ट्राई करते हैं कि ये भी वेब बिजी जा रही है गूगल की, सो वेट्स फाइव। अच्छा, किसी एक प्रोडक्ट का ना एसन, अब एसन हमें कहाँ से मिलता है? जब आप कोई कीवर्ड या यहाँ से हम देख लेते हैं, एसन मैंने जस्ट आपको बताना है कि कहाँ से हमें मिल सकता है। कोई कीवर्ड आप जब राइट करते हैं ना टॉप पे, तो
उसके रिगार्डिंग नीचे प्रोडक्ट्स आ जाती हैं आपके पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ चुकी है। अब यहाँ पे हम ना लिस्टिंग पेज पे जाएंगे इसकी। लिस्टिंग पेज पे ना हमें यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल पेज में ना हमें इसका आइसन नज़र आ जाता है, ये देखें ये इसका आइसन है, ठीक है। अब इसको कॉपी किया और एफपी कैलकुलेटर में आएंगे तो यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे इसको। अब ये नीचे ना ग्राफ शो कर रहा है, लेकिन सिलेक्ट कैटेगरी ठीक नो कि ये क्यों नहीं ओपन हो रहा, इसको ट्राई कर लेते हैं किसी और को। लिस्टिंग में आपको ना जो एसन है वो मिलेगा टाइटल के, ये प्रोडक्ट डिटेल पेज होता है जो कि हमारा हमारा ये थर्ड टास्क है एज अ वी है। सो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसको क्रिएट किस तरह से करते हैं। जस्ट हम आज प्रोडक्ट के आइडियाज़ देख रहे थे। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन जो है ना, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे आपने यहाँ से लाइक प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन से आपको एसन जो है वो मिल जाता है। इसको ट्राई कर लेते हैं। वैसे तो फ़ौरन ओपन हो जाता है, बट पता नहीं क्यों ये तो ओपन हो गया। उसमें ना ज़रूर ऐसा था कुछ के मे बी मैंने एसन सही तरह से कॉपी नहीं किया, क्या रीज़न थी। अच्छा, वो प्रोडक्ट भी आपको शो यहाँ पे हो जाती है और नीचे ना इस तरह का पेज ओपन हो जाता है, ये वाला फॉर्म ओपन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमेजोन FBA, अमेजोन फुलफिलमेंट है और योर फुलफिलमेंट है। इसका मतलब है ये FBA वाला कॉलम है जहाँ पे हम FBA के तौर पर अपने कैलकुलेशन कर सकते हैं, और ये FBM है। FBM मॉडल हम कर नहीं रहे होते, रिमोटली हमने काम करना होता है, हम FBA मॉडल पे काम करते हैं। FBM वो करते हैं जो यूके यूएसए में उनका अपना अकाउंट होता है और अपने वेयर हाउस में वो प्रोडक्ट्स रखवा के तो कस्टमर को खुद डील करते हैं और पिक पैक एंड शिप वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद करते हैं। बट हमने अमेजोन को सजेस्ट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की होती है ना, इस वजह से हम FBA मॉडल पे वर्किंग करते हैं। हमने रिमोटली डिफरेंट टेरा से वर्किंग करनी होती है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली प्रोडक्ट थी ना, हाँ जी, अब ये वाली प्रोडक्ट थी तो आप देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट पे क्या प्राइस चल रही है। इस टाइम पे 16 प्राइस इस प्रोडक्ट पे चल रही है और इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। 16 प्रोडक्ट की प्राइस थी। सो ये शिप टू अमेजोन जो है ना, एवरेज के हिसाब से हम $2 कंसिडर करते हैं। अब अमेजोन स्टोरेज फी जो है ना, वो 1 ऑलरेडी एंटर कर लेता है FBA कैलकुलेटर। सो यहाँ पे हमें वो प्रोडक्ट की प्राइस डालनी है जो हमें चाइना से हमने शिपमेंट करवानी होती है ना। सो चाइना वाले हमें कितने, जो सप्लायर है चाइना वाले, वो हमें कितने की प्रोडक्ट देंगे। एवरेज अगर मैं कंसीडर करूँ तो 16 की अगर अमेज़ॉन पे सेल आउट हो रही है ना, तो हमें पीछे कम से कम प्राइस में लेनी होती है, क्योंकि शिपमेंट के चार्जेस भी डालने होते हैं, अमेज़ॉन की फ़ी भी डालनी होती है, तो उस तरह हमारा मार्जिन जो है रिटेन रहता है। तो फॉर एग्जांपल जी, मैं कंसीडर करती हूँ मुझे $3 की जो है वहाँ से मिली है। $3 के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, हमें 19% हमें मिल रही है, 19% प्रॉफिट मिल रहा है। याद रखिएगा प्राइवेट लेबल में 25% प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। तो ये 19 है, इट्स मीन कि इट्स टू लो। तो इसके अकॉर्डिंग फिर हम इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। हाँ, ये हो सकता है अगर हमें ये $3 में मिली है ना, तो हमें अगर ये थ्री के बजाय तकरीबन भी 2 के हिसाब से हम देख लेते हैं, ठीक है, 2 में अगर हमें प्रोवाइड ये कर दें सप्लायर, तो फिर हमें कितना प्रॉफिट, ठीक है 26 आ रहा है, तो 25 होना चाहिए, लेकिन 26 है, दैट्स गुड।
है, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ये प्रोडक्ट $2 की मिलेगी ना चाइना से सप्लायर से, फिर हम मार्जिन रिटेन कर सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन का ये था। अब इसको चूज़ क्यों किया मैंने, किस तरह से किया कि ये हमारा कंपेटिटर था, उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया। अब ये प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट, फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ यहीं से मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये ना मेन कीवर्ड था मेरा शार्पनिंग स्टोन, जो मुझे कहीं से भी प्रोडक्ट का आइडिया मिला है, ठीक है। अब उसको मैंने क्या किया कि amazon.com में जाके ना यहाँ पे पेस्ट किया, शार्पनिंग स्टोन सेल आउट करने वाले तमाम सेलर नीचे आ जाएंगे। अब उनमें से मैंने किसी कंपेटिटर के अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया है, ठीक है। अभी हमारी प्रोडक्ट तो यहाँ पे कोई नहीं होगी ना, हमने यहाँ से किसी कंपेटिटर के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना होता है। फिर हम सप्लायर को बता, जिसको सेल आउट करनी है प्रोडक्ट, हम बताते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट है और इसका ये प्रॉफिट मार्जिन है। और फर्स्टली आपने कीवर्ड की सारी बात है, कीवर्ड नहीं शो करना होता, आपने स्टैट्स वगैरह शो करने होते हैं। Helium-10 का हो गया, जंगल स्काउट का, मैगनेट का, सेरिब्रो, लाइक किस तरह की चीज़ें। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कंपेटिटर को किस तरह से चूज़ करते हैं, वो मैं अब आपको ना यहीं से बताती हूँ। तकरीबन हमारे पास टाइम है 5 मिनट, और अगर फाइल ओपन हो जाती है तो फिर मैं इसी फाइल में कवर कर देती हूँ आपको कंपेटिटर एनालिसिस हम किस तरह से करते हैं। इसमें पॉसिबल नहीं है, अभी मैं सेव कर रही हूँ रिकॉर्डिंग। आपने नेक्स्ट क्लास के थ्रू ज्वाइन करना, उसमें हम कंपेटिटर एनालिसिस देखेंगे कि हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग सेव होते हैं ना 2 से 3 मिनट लग जाते हैं, वेट कीजिएगा। और मैं फिर नेक्स्ट आपको बता दूंगी कि अगर इसी लिंक के थ्रू ज्वाइन करनी है क्लास या फिर नेक्स्ट लिंक के थ्रू।